महाराष्ट्र के किसान और सामान्य जनता विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता का उद्धारकर्ता होने के बहाने कैबिनेट बैठक में शोक प्रस्ताव पारित करना ठाकरे सरकार का पाखंड मात्र है। ठाकरे सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में संकटग्रस्त किसानों के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति महाविकास आघाड़ी सरकार में क्यों नहीं है? ऐसा सवाल आयोजित पत्र परिषद के दौरान प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावन को इन्होंने उपस्थित किया। सरकार ने तूफान, भारी बारिश, सूखा और बाढ़ की स्थिति में महाराष्ट्र के किसानों को और लोगों को मदद के सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं दिया है। पिछले साल की प्राकृतिक और इस साल के तूफान में भी प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने मदद की घोषणा नहीं की है। भूसंकलन से तबाह रायगढ़ जिले के लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के राज्य में जब सत्ता थी तब ठाकरे सरकार जो बांध पर जाकर प्रति हेक्टर 50,000 किसानों की मदद के आश्वासन दिया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? ऐसा सवाल बावन कुए द्वारा पत्रकार परिषद में उपस्थित किया गया। टन कोळसा हा स्टॉक असला पाहिजे, केवळ 2,00,000 टन कोळसा आहे। जून जुलाई महिन्यामध्ये भारत सरकारच्या कोल कंपन्यांनी 50 पत्र दिले की पावसाळ्याचा काळामध्ये कोलमाईसमध्ये पाऊस असतो म्हणून स्टॉक करा। 50 पत्र दिले WCL आणि MCL ने, त्या पत्राची दखल घेतली नाही आणि स्टॉकच केला नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे। ही राज्य सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षपणामुळे हे संकट आला आहे। आणि माझी तर माहिती आहे या कोल कंपन्याचे WCL, SCCL आणि MCL या केंद्रीय कोल कंपन्याचे 2,800 कोटी रुपये महाजनकोकडे शिल्लक आहेत। साथ ही महाविकास आघाड़ी द्वारा कुछ राज्य में बंद का आह्वान किया गया है, उस मुद्दे पर भी बावन कुए द्वारा राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, PCN न्यूज, नागपुर।